तो कई जगहों पर दिल्ली पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया, आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन इसके बावजूद किसान पीछे नहीं हटे। दिल्ली कूच की तैयारी जबरदस्त है। यूपी, हरियाणा और पंजाब से दिल्ली की सीमा में दाखिल होने के लिए बॉर्डर पर बवाल काट रहे किसानों को घुसने से रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान पूरे लाव लश्कर के साथ दिल्ली बॉर्डर पर डटे थे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, सोनीपत दिल्ली बॉर्डर को छावनी में तब्दील किया गया था कि किसान तो क्या, परिंदा भी बॉर्डर पार कर दिल्ली में दाखिल नहीं हो सके। जेसीबी, क्रेन, वाटर कैनन, आंसू गैस के गोले के साथ हाथ में लाठी और कंधे पर राइफल टांगे दिल्ली पुलिस के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस की जबरदस्त तैनाती थी। टिकरी बॉर्डर पर कृषि कानून के खिलाफ हुंकार भर रहे आंदोलनकारी किसानों का जब सैलाब पहुंचा, तब देखिए कैसे 5 लेयर सिक्योरिटी के साथ दिल्ली पुलिस के सारे इंतजाम किसानों के जोश के आगे धरे रह गए। टिकरी बॉर्डर पर किसान पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर दिल्ली की सीमा में दाखिल होने लगे, तब दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स के आगे जेसीबी और क्रेन खड़ी कर वाटर कैनन से पानी की बौछार और लाठी चार्ज कर दिया। फिर भी हालात काबू में नहीं आए, तब दिल्ली पुलिस को किसानों पर आंसू गैस के गोले बरसाने पड़े। लगातार आंसू गैस के गोले किसानों को पीछे करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं किसान अभी पीछे होने का नाम नहीं ले रहे हैं। माहौल काफी ज्यादा उपद्रवी हो चुका है, यहाँ पर लगातार तनाव भरा माहौल, पुलिस के लिए काफी दिक्कतों का सामना। पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ सीआरपीएफ की टीमें यहाँ पर लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये किसान काबू में नहीं आ रहा। टिकरी बॉर्डर पर रोके जाने से गुस्साए किसानों की दिल्ली पुलिस के साथ भिड़ंत हो गई। किसानों के पथराव में दिल्ली पुलिस के कई जवान घायल हो गए हैं। सैकड़ों किसान दिल्ली की सीमा में घुसने में कामयाब हो गए हैं। हालात बिगड़ता देखकर दिल्ली पुलिस ने किसानों को हिरासत में लेकर बसों में डालना शुरू किया और दिल्ली के 9 स्टेडियम में बनाए गए अस्थायी जेलों में भेज दिया। और सोनीपत बॉर्डर पर जब किसान घुसने की कोशिश कर रहे थे, तब वहां घमासान मच गया। देखिए सोनीपत के ग्राउंड जीरो से TV9 भारतवर्ष संवाददाता की रिपोर्ट। एक सड़क दिल्ली की, उस दिल्ली जो आपकी यूटी है उसके अंडर आती है, तो वही ये सड़क है, ये हरियाणा के अंडर आती है। तो यहाँ पर भी पुलिस के लिए बड़ी एक अलग तरह की स्थिति बनी हुई है कि कैसे स्थिति को काबू में किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो दिल्ली पुलिस लगी है और एक दूसरी सड़क पर हरियाणा पुलिस लगी है। तो वही जो किसान है वे बार बार यहाँ से आगे आते हैं, पुलिस उनको पीछे खदेड़ती है, लेकिन जो टिकरी बॉर्डर पर जैसे हमने हालात देखे वैसे हालात यहाँ पर ना बने, इसके लिए दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि हर हाल में किसानों को यहाँ से पीछे खदेड़ा जाए। आप लोग के ऊपर देख रहे हैं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, फिर भी इतना क्यों, इतनी ऐसा क्या गुस्सा है केंद्र सरकार से आप लोग दिल्ली जाना चाहते हैं? जब हमारी रोजी रोटी पे आई है ये बात, ये हमारी आन की बात है, शान की बात है। हमारे पंजाब का जो इतिहास है, जो ये खड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। पीछे से इतने बॉर्डर तोड़ के आए हैं, ये तो अभी 1% भी नहीं पीछे तक लगा हुआ है। पूरा 4-5 लाख बंदा अभी ये एक रूट पे है, अलग रूट के है बंदे 8-10 लाख बंदा है। ये आएंगे, ये कितने बंदे हैं, ये हमको रोक लेंगे, कितनों को मार देंगे गोली, 5, 10, 20। वे अपना कानून काम कर रहे हैं, कानून व्यवस्था बना रहे हैं। सर बात ये है, लाठी हाथ में आई क्यों, ये लाई किसने है? मोदी ने लाई है। हम लाठी उठाने वाले नहीं थे, हम खेती करने वाले थे, हम हल चलाने वाले थे, मेहनत करने वाले थे। हमको जरूरत नहीं थी हमारा काम छोड़ के हम यहाँ तक आए हैं। आने का हमारा यहाँ पे मकसद है सिर्फ, अगर मोदी ने हमारे मतलब यही सोचता है अभी। सरकार ये भी कह रही है कि हम 3 तारीख आप तय कर दिए, 3 दिसंबर आपसे बातचीत करेंगे, उसके बाद भी लगातार प्रदर्शन जारी है। तारीख का तो पहले भी कहीं देती, पहला भी बहुत तारीख का देती। जो तस्वीर हम यहाँ समझ रहे हैं कहीं ना कहीं उससे ये तस्वीर निकल के आ रही है कि बार बार तारीखें देना, बार बार उन्हें बुलाना, और जब कुछ जमीन पर नहीं उतरता है तो वो गुस्सा इस तरीके के आंदोलनों में तब्दील हो जाता है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।